नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। गरियाबंद जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आजादी के बाद पहली बार 35 किलोमीटर दूर घने जंगल, पथरीले रास्ते, पहाड़ों के बीच पैदल चलकर अपनी जान जोखिम में डालते हुए 58 बच्चों को रूबेला खसरा का टीकाकरण कराया, जो अपने आप में एक मिसाल है। स्वास्थ्य विभाग की टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। गौरतलब है कि कलेक्टर के निर्देशानुसार मैनपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम को एक बड़ा दायित्व सौंपा गया। जिले के अंतिम छोर पर बसे सबसे बीहड़ और नक्सल प्रभावित ताराझर कुरवा पानी डढ़ई पानी गाँव है, जहाँ 310 लोग निवासरत हैं। यहाँ शासन प्रशासन के लिए पहुँच पाना आसान नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पहाड़ों पर पैदल चलकर टीकाकरण करने का यह पहला मौका था। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम साप्ताहिक बाजार में योजना की औपचारिकता पूरी कर लेती थी। किसी भी योजना के लाभ के लिए एक सप्ताह पहले लोगों को खबर भेज दी जाती थी, जिससे कई लोग योजना के लाभ से वंचित हो जाते थे। इसलिए इस बार कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गाँव पहुँचकर टीकाकरण किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम को 3 दिन का समय लगा। इसका हर कोई मुरीद है। शासन की मंशानुसार 9 माह से 15 साल के बच्चों को रूबेला मिजलस के टीकाकरण किया जाना है। उसी तारतम्य में मैनपुर स्वास्थ्य विभाग की 13 सदस्यीय टीम ने घने जंगल पहाड़ों के बीच जाकर इस अभियान को समाप्त कर वापस लौटे, जहां 58 बच्चों का टीकाकरण हुआ है। पहली बार यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जान जोखिम में डालकर टीकाकरण किया है। यहां से 13 जने का टीम गए थे, 13 लोगों का, और यहां से करीबन 35 किलोमीटर दूर है ताराझर। वहां पे हम लोग को बीहड़ जंगल है, बहुत ज़्यादा चट्टान है, जिसको पार करते हुए गिरते पैर लड़खाने लग जाते थे। ऐसा तो रास्ता था, पथरीला रास्ता था, और बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। खाना पीने का सामान भी नहीं था अपने पास, और साथ में पीने का पानी ख़त्म ही हो गया। भूखा प्यासा टाइप पे गए थे वहाँ पे, लेकिन मितानी ने यहाँ खाना वाना बनाकर खाए है, और वहाँ पे करीबन 58 बच्चों को हम लोगों ने टीका लगाया। हम लोग AMR टीकाकरण करने के लिए ताराझर कुरवा पानी और डढ़ई पानी पहाड़ी रास्तों से उबड़ खाबड़ रास्ते पार करते हुए, न वहाँ पानी था न कुछ भी नहीं थे, जंगली जानवरों का भी डर रहता था, तभी भी हम लोग टीका करने कर भारी मुश्किलों का सामना करते हुए गए थे। ये अभी छत्तीसगढ़ सरकार का निर्देशानुसार एक मेजर्स रूबेला अभियान चलाया जा रहा है। ये 19 दिसंबर तक चलेगा, 6 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत हर स्कूल आंगनबाड़ी में जाके टीम बना के हम लोग बच्चे लोग को 9 माह से 15 साल के बच्चे को टीकाकरण किया जा रहा है। और अभी जो पहुँचविहीन क्षेत्र हैं, जैसे कि ताराझर, कुरवा पानी, डढ़ई पानी, वहाँ के लिए हम लोग टीम बना के टीकाकरण किया गया। यहाँ से टीम रवाना किया गया, इन्होंने 2-व्हीलर गाड़ी से देव डोंगर तक वहाँ गाड़ी रखे, उसके बाद देव डोंगर से लगभग 22 किलोमीटर पहाड़ी पैदल चल के ताराझर पहुँचे, जहाँ बच्चे को टीकाकरण किया गया। इस टीम में लगभग 13 लोग का टीम था, जिसमें 3 NM थी, 5 पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे, 1 सुपरवाइजर, 1 मितानी का पति और 1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, 3 वहाँ ताराझर में पढ़ाने वाले टीचर थे। खबरची न्यूज के लिए गरियाबंद से भोला साहू की रिपोर्ट। नारायण नारायण।